प्रथम तहलका न्यूज। जींद में कोरोना काल में लगे 48 कर्मचारियों को एक्सटेंशन नहीं देने के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर के नीचे सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन पांचवें दिन में प्रवेश कर चुका है और पूरे हरियाणा में आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही सरकार इन कर्मचारियों के प्रति कोई फैसला नहीं लेती है तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा अग्रिम नीति बनाई जाएगी और ठोस निर्णय लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो उसके लिए सरकार व जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना काल में लगाए गए कर्मचारियों की अनदेखी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और जल्द ही स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक बुलाकर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात माने। 24 घंटे हमने उछाण लैब में बहुत काम किया है, पूरी किट पहन के पसीना पसीना बहुत हो जाया करते थे। हमारे कर्मचारी इतने पॉजिटिव हुए हैं, बहुत तंगी आई उनको काम करने में भी, और जो आराम करने के लिए 7 दिन दिए गए थे तब भी वापस बुला लिया करते, भी काम बहुत ज़्यादा है, आप वापस आओ। हमारे सभी साथी परेशान हो के भी बहुत काम करते थे, ईमानदारी से पूरी सेवा की है, अधिकारियों के काम बहुत किए हैं, फिर भी अधिकारियों को हमें इनाम दिलाते थे। भैया हमारे अधिकारी खुश रहे, हमारी नौकरी नहीं छीनी जाए सरकार से। बस हमारी यही मांग है कि हमें NH में कन्वर्ट किया जाए। हम निराश नहीं हो, सारे कर्मचारी हम सरकार की तरफ से जो भी गलती हुई क्षमा भी मांगते हैं और कहते हैं हम कि हमारी जीत पक्का हो, सरकार हमारी बात माने अच्छे से। हम अपनी सरकार को फिर जय हिंद बोलेंगे कि भई हमारे ये सभी साथी नाराज ना हों जिनका घर भी उसी तनख्वाह से चलता है। सफाई करते थे, सारे सैंपल हाथ में रहते थे। अच्छा मैम, 2 दिन से आप लगातार यहाँ धरने पर बैठे, कोई अधिकारी आपको आश्वासन देने को? सभी आश्वासन देते हैं, फिर हमें उम्मीद सरकार से ही है। सब यही कहने आते हैं कि भाई काम बनेगा तुम्हारा, सरकार मानेगी, फिर हम पूरी सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि हमको नाराज ना किया जाए। साथ ही कर्मचारियों ने बहुत हिम्मत से काम किया है, उनको कब तक लड़ाई रहेगी आपकी सरकार अगर मांगे? हमारी सरकार आज ही मान ले तो हम आज ही धरना उठा ले। हमारी बस एक ही मांग है, भाई सरकार हमारी बात माननी और कर्मचारी हमारे नाराज ना हो, जल्दी से जल्दी हमारी मांग मांगेगी मानेगी सरकार, हमें उम्मीद है पूरी सरकार से। हमने जैसे कि सितंबर 2020 से ज्वाइन किया था, उस टाइम सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी भाई जब तक कोविड होगा तब तक हम आपको रखेंगे। अब क्या किया कि गवर्नमेंट ने जैसे 31 मार्च तक का था हमारा, जब हम 1 अप्रैल को आए तो हर स्टाफ में ये दे दिया गया जो हमारे DSO थे, जो मेन डायरेक्टर थे, कि भाई अब इनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। हम घर से तो ऐसे आए थे कि भाई जैसे ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम सरकार ने ये बताया कि भाई इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ना कोई इन्फॉर्मेशन है ना कोई, अब हम कहाँ पे जाएं। सबका लगभग सबका ही इसी के सारे नौकरी के सारे ही सब कुछ चलता है और हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें हमारी नौकरी वापस नहीं मिल जाएगी। तो जींद जिले कितने कर्मचारियों को बाहर निकाला है? जींद जिले के 42 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनके मतलब नाम नहीं आए? इनमें लैब टेक्नीशियन हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, रिसर्च असिस्टेंट हो गए, स्वीपर हो गए, नर्सिस हो गई, लगभग 4th क्लास भी हैं, 3rd क्लास भी हैं, सारे आ गए इसमें। जो जो लगाए थे सारे निकाल दिए, जो कोविड स्टाफ की स्पेशली थी ना भर्तियाँ, कोविड स्टाफ को पूरे कोई निकाल दिया उसमें। जब लंबे अरसे से कोरोना काल चला था तो आपकी मदद ली थी, सरकार क्यों अनदेखी कर रही है आपके साथ? इसमें ये था कि जब कोविड आया था ना, मैं अपने स्टाफ की अगर बात करूं तो मैं खुद भी 2 बारी पॉजिटिव आई हूं, और 2 बारी पॉजिटिव वाले में क्या थी सरकार की गाइडलाइन कि भाई इनको क्वारंटाइन रखा जाएगा, जैसे कि 7 दिन का पीरियड है, पहले 14 दिन का। लेकिन आप हमारे अटेंडेंस रजिस्टर भी जाके देख सकते हो, हमें कोई क्वारंटाइन छुट्टियां नहीं मिली। हालांकि छोटे बच्चे होते हुए भी हम डेली आए हैं जिसमें पॉजिटिव थे, क्यों हमारे लिए वो गाइडलाइन नहीं थी क्या भाई हम भी 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रखें, 14 दिन का रखें? आप हमारे जो डायरेक्टर है उनसे भी पता कर सकते हो, अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक कर सकते हो हमने की है। और जो हमारी आउटसोर्सिंग की अटेंडेंस होती थी उसमें क्या होता था कि 4 ऑफ हमें दिखाने होते थे, उसमें तो हमारे ऑफ लगते हैं अटेंडेंस में तो, लेकिन एक्चुअल में हमारी कोई संडे भी नहीं था, संडे सैटरडे सब आते थे, ऑल गजेटेड हॉलीडे, कोई छुट्टियां नहीं थी। तो क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से हमारी ये मांग है कि अभी जो टेम्परेरी NHM के अंदर हमारी भर्तियां हुई थी उसको NHM में कन्वर्ट करके, सिर्फ हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हमें NHM पोस्टों पे वापस नौकरी दी जाए। प्रथम तहलका के लिए जींद से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।